नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा मिलती रहती हैं। और हमारी एक सीरीज चली हुई है NIS के लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, एडमिशन टेस्ट, एंट्रेंस एग्जाम हुए थे वेरियस गेम्स के, उसकी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए पहुँच गए हैं टेबल टेनिस के ऊपर। अगर आपने TT के लिए अप्लाई किया है एडमिशन के लिए, 1 ईयर कोचिंग डिप्लोमा के लिए, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट ईयर 25 क्वेश्चंस कैसे आए थे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा 2-3 बातें मैं बोलता हूँ हर रोज़ कि एक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक हैं, उसे पहले चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई भी अपडेट जो फिजिकल एजुकेशन की मिस नहीं होती है। दूसरा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक हैं फिजिकल एजुकेशन अड्डा से जुड़े हुए, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, एक इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, एक फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है। तीनों के द्वारा आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको अपडेटेड जानकारियां लगातार मिलती रहती हैं। इस क्वेश्चन पेपर की PDF आपको फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप में मिल जाएगी, उसको ओपन कीजिए, उसके फ्री PDF के फोल्डर में जाइए, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 25 क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर आपके पेपर में आए हुए थे उनकी, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, और पता चल जाएगा इस ईयर कैसा पेपर आपका आ सकता है। पहला ही क्वेश्चन है, 2018 में अर्जुन पुरस्कार के लिए निम्नलिखित टेबल टेनिस खिलाड़ी में से किसका चयन किया गया था। किसका किया गया था? मनिका बत्रा का। भाई किसका किया गया था? मनिका बत्रा का। इसके बाद है, हु वॉन द द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर द बेस्ट टेबल टेनिस कोच इन ईयर 2012। 2012 में किस कोच को जो द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता था, किसने जीता था? भवानी मुखर्जी ने। भाई किसने जीता था? भवानी मुखर्जी ने। ठीक है, इसके बाद है, हु वॉन 18th सीनियर वोमेन नेशनल एंड इंटरस्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप डूरिंग 2018। किसने जीती? भाई वेस्ट बंगाल ने। 80वीं जो सीनियर महिला राष्ट्रीय और इंटर स्टेट टेबल चैंपियनशिप जीती थी, वो पश्चिम बंगाल ने जीती थी। इसके बाद 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे गोल्ड कास्ट में, हाउ मेनी मेडल्स वर सिक्योर्ड बाय इंडिया इन टेबल टेनिस। कितने मेडल जो है इंडिया ने टेबल टेनिस में जीते थे? 8। भाई कितने जीते थे? 8। फिर है, हु इज़ द फादर ऑफ टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के फादर कौन है? इवर मोंटागू। टेबल टेनिस के फादर कौन है? इवर मोंटागू। भाई इसके बाद है, IEEF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? कहाँ पे लोकेटेड है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। भी कहाँ पे लोकेटेड है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसके बाद है, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ TTFI। TTFI के वर्तमान महासचिव कौन है? श्री एम पी सिंह। इसके बाद है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATTU? ATTU की फुल फॉर्म एशियन टेबल टेनिस यूनियन। भाई क्या है? एशियन टेबल टेनिस यूनियन। इसके बाद है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर रिसीव्ड द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पद्मश्री। तो किसने पद्मश्री अवार्ड जो है इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर ने जीता है, किसको ये प्राप्त हुआ है? तो ए सर्थ कमल को ये अवार्ड जो है दिया गया है। भाई इसके बाद है, लेंथ ऑफ टेबल टेनिस टेबल इज कितनी होती है? 2.74 मीटर। भाई इसके बाद है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ टेबल टेनिस बॉल? तो कितना होता है डायमीटर? 40+ mm। भाई ठीक है, इसके बाद है, टेबल टेनिस बिकम इन ओलंपिक स्पोर्ट्स इन विच ईयर? किस साल में टेबल टेनिस को ओलंपिक में शामिल किया गया? 1988 में। भी 1988 में क्या गया था? शामिल। इसके बाद है, बॉल दैट हिट डायगोनली फ्रॉम द कॉर्नर टू कॉर्नर, गेंद जिसको कोने से कोने में तिरछे मारा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भाई क्रॉस कोर्ट। क्या कहा जाता है? क्रॉस कोर्ट। इसके बाद है, हु इज़ द करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो किरण रिजिजू जी थे भाई लास्ट टाइम, अभी जो चेंज हो चुके हैं वो याद कर लेना करंट के जो हैं। इसके बाद है, व्हाट ट्रॉफी इज अवार्डेड टू विनर्स ऑफ द वोमेन टीम चैंपियनशिप इन वर्ल्ड टेबल टेनिस? कौन विश्व टेबल टेनिस में महिला टीम चैंपियनशिप के विजेता को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? कार्बिलन कप। भाई कार्बिलन कप। इसके बाद है, विच वन ऑफ इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर गोट अर्जुन अवार्ड इन 2020 में अर्जुन अवार्ड किसको मिला टेबल टेनिस प्लेयर को? किसको? मधुरिका पाटकर को मिला। भाई मधुरिका पाटकर। इसके बाद है, व्हाट इज़ द नेम दैट टेबल टेनिस हैज़ बीन कॉल्ड ओवर द ईयर्स?
तो पहले टेबल टेनिस के गत वर्षों में किस नाम से बुलाया जाता था भाई? फिल्म फ्लेम, गोसिमा, वही वॉफ, सभी विकल्प सही हैं भाई, ऑल ऑफ दीज। सभी नामों से इसको पुराने समय में जाना जाता था भाई। इसके बाद है टेबल टेनिस बॉल के तीन रंग हैं, क्या क्या रंग होते हैं भाई? तीन रंग, ऑरेंज येलो वाइट, ऑरेंज येलो वाइट। इसके बाद है स्ट्रोक यूज टू प्ले द बॉल ऑन द रैकेट साइड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, शरीर के रैकेट साइड पर गेंद खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्ट्रोक को क्या कहते हैं? फोर हैंड भाई, क्या कहते हैं? फोर हैंड। इसके बाद है चूज द इनकोरेक्ट ऑप्शन फॉर टॉस विनर, टॉस विजेता के लिए गलत ऑप्शन चुने, तो कौन सा गलत ऑप्शन है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता गेंद का चयन कर सकता, सेलेक्ट द कंपटीशन बॉल, ये जो है टॉस विनर के लिए गलत है, ये टॉस विनर के ऊपर कोई ऐसा फ़ायदा टॉस विनर को नहीं दिया जाता भाई, बाकी सारे हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल आफ्टर सक्सेसफुल फिनिश ऑफ वन सेट ऑफ द मैच, मैच के एक सेट के सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अंतराल समय की अवधि क्या होती है? क्या होती है? 1 मिनट भाई, क्या होती है? 1 मिनट। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट मेड आफ्टर ए ड्यू स्कोर इज ए, एक ड्यू स्कोर के बाद बनाया गया अगला पॉइंट क्या होता है? अगला पॉइंट एडवांटेज, क्या होता है? एडवांटेज। इसके बाद है वन टेबल टेनिस रैकेट, व्हाट इज द नेम ऑफ लेयर बिटवीन ब्लेड एंड रबर, टेबल टेनिस रैकेट पर ब्लेड और रबर के बीच की परत का नाम क्या है? स्पंज, स्पंज बोल सकते हो, स्पंज बोल सकते हो भाई इसको, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई टी टी यू की फुल फॉर्म पूछी है, तो क्या होती है? यूरोपियन टेबल टेनिस यूनियन, यूरोपियन टेबल टेनिस यूनियन भाई, ऑप्शन फोर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूरोपियन टेबल टेनिस यूनियन। इसके बाद है स्ट्रोक यूज टू प्ले क्लोज टू द टेबल एंड यू हिट ओवर द बैक और द टॉप ऑफ द बॉल यूजिंग ए लूज रिस्ट एक्शन टू इम्पार्ट टॉप स्पिन इज कॉल्ड खालिस्तान स्ट्रोक, टेबल के नज़दीक खेलने के लिए स्ट्रोक और टॉप स्पिन करने के लिए ढीली कलाई से आप गेंद पर हिट करते हैं तो स्ट्रोक को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लिक, ऑप्शन एक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्या कहते हैं? फ्लिक भाई, क्या कहते हैं? फ्लिक। इतनी बात आपको समझ आ गई, तो ये थे भाई लास्ट ईयर जो टेबल टेनिस को लेके टीटी को लेके जो क्वेश्चंस अलग अलग पेपर में पूछे गए थे, वो 25 क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे कवर किए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, इस बार एक दो क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि एनटीए जब किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है तो वो चीज़ों को बहुत कम रिपीट करता है, अच्छी संस्था है, एग्ज़ाम लेने के इंट्रेंस टेस्ट हो चाहे हमारा नेट का एग्ज़ाम हो, सभी एनटीए के द्वारा जो कंडक्ट किए जाते हैं और आपको पता है कि उनका लेवल क्या रहता है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस टेबल टेनिस को लेके, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं दूसरे दोस्तों के साथ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को अपने लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।